माँ वैष्णो देवी की यात्रा। आज हम आपको बताएंगे कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा सबसे कम खर्चे में कैसे की जा सकती है। आपको दिल्ली से अनेक ट्रेनें हैं वो कटरा और जम्मू के लिए मिलेंगी। जम्मू से आप बस के द्वारा भी जा सकते हो और कटरा अगर आप जाते हो तो कटरा रेलवे स्टेशन के ऊपर होटल के बहुत से प्रतिनिधि हैं वो आपको मिलेंगे और होटलों में ऐसी सुविधा है कि इनके द्वारा पिकअप और ड्रॉप की सुविधा दी जाती है और ये आपको बाणगंगा तक छोड़ के आएंगे और जहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी और फिर वापसी में आप इनको कॉल करोगे तो ये फिर आपको बाणगंगा से पिकअप करके होटल तक लेके आएंगे और अगली सुबह आप या तो शिवखोड़ी जाओगे या फिर वापसी आओगे तो ये रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप की आपको सुविधाएँ देंगे। आपको इस तरह के कमरे हैं वो 700 से 800 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिल जाएंगे और पिकअप और ड्रॉप की सुविधा भी इसी के साथ रहे। अब हम हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हम जो अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे गंगा से अपनी यात्रा स्टार्ट होगी बाणगंगा से अर्धकुमारी और अर्धकुमारी से फिर भवन माँ वैष्णो धाम के लिए और फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए और भैरव घाटी जाएंगे। भैरव घाटी से वापस भवन लौटेंगे और भवन से फिर है वो अपनी यात्रा वापस लौटेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माँ वैष्णो देवी की यात्रा। तो आप लोग देख रहे हैं कटरा का नज़ारा, यहाँ से कितना शानदार मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है और बादलों की जो आवाज़ आ रही है वो लगातार जारी है और सुबह से बारिश के बाद मौसम है वो खुशनुमा होता है और श्रद्धालुओं का है वो तांता लगा हुआ है माता रानी के जाने के लिए और पैदल ही श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं। कुछ घोड़े और खच्चरों की भी सहायता ले रहे हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से आज हेलीकॉप्टर की सेवाएं हैं वो बाधित हैं और आप देख सकते हैं पूरा शानदार नज़ारा कटरा शहर का और पीछे से ये बादलों का मनोरम दृश्य आप लोग देख रहे हैं। आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा यात्रा में जहाँ जहाँ दर्शनीय जगह आएंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं वो अच्छी तरह से इंजॉय करते हुए चल रहे हैं और अभी देख रहे हैं आप। श्रद्धालु हैं वो टेंट सेट के नीचे बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार है जो मौसम है वो खुशनुमा का हो रखा है। पर और यहाँ से पर्ची कटवाई जा रही है दर्शनों के लिए और यहाँ से
पर्ची लेने के बाद फिर जैसे ही ग्रुप का नंबर आता है उसी हिसाब से एंट्री होती है और यहाँ से फिर आगे का रास्ता निकलता है। कुछ लोग पर्ची लेकर यहाँ से भवन की तरफ जाते हैं और ये आप देख रहे हैं भवन का रास्ता है और ये है माँ अर्थ कुमारी का मंदिर जहाँ से श्रद्धालु दर्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने पर्ची ली है और हमारा दर्शनों के लिए नंबर है वो 651 नंबर है हमारे ग्रुप का और हम लोग पर्ची लेके और आगे बढ़ रहे हैं भवन की ओर जहाँ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे हम लोग। दर्शन के बाद हम लोग वापस चलेंगे रोपवे से और रोपवे से पहुंचेंगे भवन और भवन से फिर तय करेंगे कटरा का रास्ता। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद लोग सेल्फी पॉइंट पर सेल्फियां ले रहे हैं और पीछे बादलों की वजह से मौसम है वो काफ़ी अच्छा और सुहाना हो रखा है और मनोरम दृश्य आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे हम लोग।